पॉजिटिव भारत सहित मो चिन्मयी प्रथमे हेडलाइंस टीका नहीं हॉस्पिटल रे भर्तीर संभावना 75-80% कम ऑक्सीजन आवश्यकता 8% आईसीयू रे भर्ती होबार संभावना मात्र 6% नीति आयोग सदस्य वीके पॉल का सूचना देशरे कोरोनार मामला ह्रास सह बढ़ुछि सुस्थता 96% रे पहुंचला आरोग्य हार देशर 513 जिले समुदाय पॉजिटिव केस 5% रु कम तीनि मासरे तयार हेबे 1,00,000 नुआ कोरोना वारियर स्वास्थ्य सेवा सुधारिबाकु अनुकूल क्रास कोर्स रो शुभारंभ कले मोदी ओडिशार गजपति और बालेश्वर में खोलिला केन्द्र तालीम सह मिलिब रोजगार रो राह पुणि चलिला मोदी मैजिक ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग रे सबुठ आगरे प्रधानमंत्री सबु राष्ट्रर मुखिया पछरे पकाई मारिले बाजी द्वितीय तृतीय स्थान रे इटाली और मेक्सिकोर राष्ट्र अध्यक्ष शेषे ओडिया टोकियो टिकेट भारतीय हॉकी दल में सामिल हेले दुई ओडिया वीरेन्द्र लाक्रा और अमित रोहित दास को मिलला ओलंपिक्स टिकेट महिला टीम रे ओडिया खिलाड़ी दीप ग्रेस एका एथर संपूर्ण खबर देशरे चली विश्वर सर्वबृहत टीकाकरण कार्यक्रम लोकों मनर टीका को नहीं भ्रम को दूर करने टीका ने लोकं आगक आसवाई सरकार अपील करुंट तेरे टीकाकरण केते गुरुत्वपूर्ण एवं टीका नेबा कोरोन जड़े व्यक्ति केते सुरक्षित रोचे ताऊपर सूचना देखते नीति आयोग सदस्य वीके पॉल वीके पॉल कहते टीका नहीं व्यक्ति क्षेत्र में हस्पिटाल भर्ती होबार संभावना 75-80% कम से टीका नहीं व्यक्ति को ऑक्सीजन आवश्यकतार संभावना 8% एवं आईसीयू रे भर्ती होबार संभावना मात्र 6% रही थाए बोली भारत से भी अब स्टडीज आ रही हैं कि टीके लगने के बाद प्रोटेक्शन कितनी हो जाती है तो एक दो स्टडीज आई हैं हेल्थ केयर वर्कर्स पे दो स्टडीज मेरे सामने हैं अभी उसकी समरी सिर्फ बताना चाहूँगा हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत ही हाई रिस्क ग्रुप है क्योंकि वो वहाँ रहते हैं जहाँ कोरोना के मरीज होते हैं आईसीयू के अंदर कोरोना वार्ड के अंदर चाहे आप जितनी मर्जी पिछड़ स्टडीज ये दिखाती हैं कि वैक्सीन लग जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत का जो चांस है वो 75-80% कम हो जाता है इन्फेक्शन हो भी जाए डोज लगने के बाद इन्फेक्शन हो भी जाए तो ये नौबत आए कि हॉस्पिटलाइजेशन है वो चांस 20-22% रह जाता है जो डेटा के हिसाब से ऑक्सीजन की जरूरत सिर्फ 8% की ही पॉसिबिलिटी रहती है इमेजिन 8% जिनको नहीं मिला उनको 100 तो इनको सिर्फ 8 इतना फर्क है और उससे सीरियस आईसीयू एडमिशन है ये डेटा मेरे सामने दिखाता है कि आईसीयू एडमिशन में 6% रिस्क रह जाता है प्रोटेक्शन 94% हो जाती है एक बहुत पावरफुल डेटा है रीजनेबल साइज स्टडीज हैं और क्योंकि उस ग्रुप में करी गई जहां की इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा रिस्क है इसको हमें लॉजिक रैशनल करने के लिए हमें क्लियरली मैं कहूंगा कि आप इसको इस्तेमाल करिए तेज संपर्क में अधिक सूचना पाई न्यूज रूम रे उपस्थित अच्छा मो सहयोगी निहारिका नंद अच्छा निहारिका आम देखीचे से राज्य सरकार हूँ कि केंद्र सरकार अनेक थर लोक अपील करते वैक्सीन नियंतु वैक्सीन लोक हित कर मानने जदि कोरोना को किए मात देव प्रथम अस्त्र हो वैक्सीन ए सरकार गुरुत्व देखते कितु अनेक समय देखा जे जनसाधारण वर्तमान सुधा अनेक लोक बुझीना वैक्सीन रो महत्व कौन किंतु आज पुणी नीति आयोग सदस्य वीके पॉल जो सूचना देखते कौन से संप्रक्त भाव से वर्णना कर निश्चय भाव में चिन्मयी आपत जमी कहले वर्तमान समय रे
जहाँ परिस्थिति सृष्टि होइछि विश्वरे कहंतु बा आम देशरे कहंतु सबुठ प्रथम कथा कहिबि जे प्रथम फेज बा फर्स्ट फेज तापरे सेकेंड फेज आसिला वर्तमान तृतीय तरंग बा थर्ड फेज रो कोरोना आसिबाकु जाउछि ता मध्यरे सबुठारु बड़ कथा हेउछि वैक्सीन कारण प्रथम फेज जेतेबेले आरंभ होइतिला सेतेबेले वैक्सीन रो प्रस्तुति आरंभ होला किंतु द्वितीय फेज बेळकु वैक्सीन आसीगला किंतु तापरे जेमती आपण वर्तमान चिन्मय कहुतिले जे वर्तमान सुद्धा भी लोकंक मनरे जो गोटे द्वंद्व अछि जे वैक्सीनटा केते दूर आमकु कोरोनारु रक्षा करि पारिबो बा एक्चुअली वैक्सीनटा वर्तमान पई कि नेले आमकु जाकि फ्यूचरे हब कि नाही कोरोना ए सबु कि नै जो द्वंद्व सृष्टि हिछि तार गोटिए बोली कथा जे वर्तमान जेमती केन्द्र सरकारक तरफरु नीति आयोगर सदस्य बीके पॉल जेमती कहिले जे एटा गोटे बिग डाटा सो कौन पाई कहिले बिग डाटा कारण वर्तमान पाई कि वैक्सीन ही ओनली रास्ता जोटा कि कोरोनारु आमको किछि परिमाण रे सुरक्षित करि परिबो किछि परिमाण रे कहि रखुची बिकॉज़ आमो पाखरे जो डाटा आछि बा नीति आयोगर सदस्य वर्तमान बीके पॉल समय समय रे आमको सबु बेले सबु प्रकार तथ्य दे आछन्ती तांको तरफरु ए जो घोषणाटा हेछि वैक्सीन को नेकि ए पुणि थे दोहरवाक चाहूँगी जे सबुठ बड़ कथा हूँ 70% अति 80% आमको कोरोना भूताणु यह रक्षा कर प्रथम कथा हूँ जे इटा रक्षा कर आमको मेडिकल हाडमिट हाबू रक्षा कर कारण समय समय आम जाचे जितेबले कोरोना भूताणु आम संक्रमित होचे जो मैंने संक्रमित होती प्रथम कथा कहला जमी पजिट आसूँ इमिडिएटली हस्पिटाल आडमिट हूँ किंतु जड़े जदि वैक्सीन नहीं थो तेबे ताकु जदि भी कोरोनार कौन सी लक्षण देखागला एटा से सियोर करुछंती जे 70% तांकु मेडिकल जीवाकु पड़िबनी। द्वितीय कथा आसुची ऑक्सीजन ऑक्सीजन कथा चिन्मयी जेमती आपण जानिचंती प्रथम लहर रे ऑक्सीजन रा दरकारी एते देह को हेउची शरीर को बोली कोरोना संक्रमण हेले एटा आमे एते जानी नथिले सेते बेले ए विषय ने विशेष सूचना आसी नथिला किंतु जेमिति आपण जानिचंती द्वितीय लहर समय रे दिल्ली रे हो बा देशर विभिन्न एरिया रे ऑक्सीजन को नेकी जो प्रकार परिस्थिति सृष्टि हेला कोरोनार प्रथम लक्षण रे ऑक्सीजन देह रे कमिबार लागला तेणु ए परिस्थिति रे लोकंकर बहुत मृत्यु घटला आउ से समय रे इति कहि परबा जे वर्तमान से कहउचंती जे ऑक्सीजन रो दरकारी मात्र 8% करि पड़ी पारे जेमते कि आपण जानिथिबे जो माने कोरोना संक्रमित होउतिले गुरुतर भाबरे तांको जतबेले हॉस्पिटलाइज करा जाउतला सेमानको देह रे जदि ऑक्सीजन लेवल 90% तळुक भी आस्तुला ताहाले भी एटा को डेंजरस बोली कह जाउतला किंतु तेणु आपण चिंता करंतु जदि वैक्सीन नेला परे जणे 8% रो ओनली ऑक्सीजन दरकार हेबो ताले एटा गोटे निश्चय कहि परिबा जे बहुत गोटे बड़ शुभ जिनस बा शुभ सूचना कहि परिबा ताकु छाड़िकी जेमती से कहिचंती जे आईसीयू के नबा पई जेमती आपण जानिचंती जणे कोरोना संक्रमित हेले ऑक्सीजन कमी गले प्रथमे से लास्ट मोमेंट होची आईसीयू को नबा आईसीयू रे गला परे कहा जाउतला जे गुरुतर रोगी माने कर यार एग्जांपल आमे बेस्ट एग्जांपल देखि छे जेमती की प्रथमे जो माने रहिचंती कोरोना योद्धा से स्वास्थ्यकर्मी कथा कहतु एवं पुलिस अफिसर ये समस्त जितेबले कोरोना रो वैक्सीन दिगला तापर हुए तो सेकेंड लहर में स्पेशली जदि आम देखा जो स्वास्थ्य सेवा जो माने करुथिले बा डॉक्टर माने हुए तो कम आक्रांत होती जहाँ पूरा निच्छक प्रमाण रही बहुत बहुत धन्यवाद निहारिका आम सहित जोड़ी न्यूज रूम रु एवं पूरा अपडेट दौले जे आज नीति आयोग सदस्य कौन विस्तृत भाव में वर्णना कर आसवा परवर्ती खबर को देश में कोरोनार मामला ह्रास सह आरोग्य हार में लगातार वृद्धि घटुछि केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय जुग्म सचिव लव अग्रवाल कहते जे गत मे 3 तारीख रु देश में आरोग्य हार में वृद्धि घटुछि जहां एवं 96% में पहुंची यहसह आक्टिव केस रे ह्रास नहीं सूचना देखते जून 11-17 मध्य देश में 513 जिले में समुदाय पॉजिटिव केस 5% रु कम रही गत 24 घंटा मध्य देश में 62,480 नुआ मामला चिन्हट हो गत 11 दिन 1,00,000 रु कम आक्रांत चिन्हट होतीपरी पिक पर 85% केस ह्रास होपटे देश में 22 कोटी रु अधिक जन को लोकं कोरोना प्रथम टीका एवं 5 कोटी रु अधिक को 2टी जाक डोज दि सर पर
लगातार करीब 4,14,000 के करीब केसेस देश में रिपोर्ट हुए। उसके बाद से हम उस पीक में कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन नोटिस कर रहे हैं। 25 मई के समय में वह केसेस ऑन ए डेली बेसिस घटते करते 2 लाख से कम हुए। 7 जून तक वह 1 लाख के करीब पहुंचे। और अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में 62,480 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि जो पीक हमने देखी उसमें करीब 85% डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ द केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड उसमें हमने ऑब्जर्व किया है। हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 11 दिनों से देश में डेली बेसिस पर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वह 1 लाख से कम है, और ओवरऑल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन काफ़ी कुछ कंट्रोल उस परिस्थिति में हम हैं उसके रूप में एनालाइज करें तो देखें तो पाते हैं कि 27 स्टेट ऐसी हैं जहां की अब 1,000 से डेली केसेस उस गति से कम से आ रहे हैं। इसी तरीके से रिकवरी रेट में भी देश में एक पॉजिटिव ग्रोथ नोट की जा रही है। 3 मई के समय पर जहां रिकवरी 81.8% थी, 18 मई तक वह 85% के करीब पहुंची, 27 मई तक 90% और अब वह बढ़ते बढ़ते 96% हो चुकी है, विच इज़ ए वेरी पॉजिटिव साइन। आज ज़रूरत है कि एक स्थाई पर हम अपने डेली केसेस की रिपोर्टिंग में उसमें कमी नोट कर रहे हैं, वह केसेस जो हमारी मेडिकल दृष्टि से जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्टिव केसेस उसमें कमी नोट कर रहे हैं, और साथ ही ओवरऑल देश का रिकवरी रेट उसमें भी एक पॉजिटिव ग्रोथ पाते हैं। अपने देखो चंती पॉजिटिव भारत आगक रही छ अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर, किंतु समय हिची गोटे छोटो कमर्शियल ब्रेक रो। ब्रेक परे स्वागत। कोरोना लड़ाई पई प्रधानमंत्री को बड़ योजना स्वास्थ्य सेवा सुधारिबा को अनुकूल क्रास क्रोर्स रो शुभारंभ कले पीएम। एथिरे 3 मास रे प्रस्तुत हेबो 1 लाख नुवा कोरोना वारियर। 26 राज्य रो 111 केंद्र रे एहा आरंभ करा जिवो। तीन मास रे 1 लाख नुवा कोरोना वारियर प्रधानमंत्री आरंभ कले महा अभियान। ओडिशार बालेश्वर और गजपति रे भी खोलिबो केंद्र। गजपति आर सीतापुर ग्राम तरंग प्रशिक्षण केन्द्र को भिसी जरिया उद्घाटन करिसेंति प्रधानमंत्री, जहाँ को नहीं जिलावासी मनरे बड़ आशा। बालेश्वर रे बालियापाल भी समान उत्साह। ये प्रोग्राम द्वारा से माने गुटे कोविड-19 साथी रे गुटे हेल्थ स्किल्ड वर्कर हेई परिबे एवं जे कोनसी गुटे हॉस्पिटल बा जे कोनसी गुटे नर्सिंग होम सब जगह से माने निश्चय गुटे आत्मनिर्भरशील हेई परिबे। हार आसिले आम पिला माने जाई कि लोकन को सहाय्य करि परिबे, दरकार पड़ले तांको हॉस्पिटल आमे एंगेज करि परिबु, दरकार पड़ले से माने ई सर्टिफिकेट पड़ले भी निजस्व स्व रोजगार मध्य करि परिबे। एथिरे वर्तमान 3 लाख पाखापाखि पिला ऑल ओवर इंडिया तुम आज ट्रेनिंग दौन जहाँ कि आज माननीय प्रधानमंत्री उद्घाटन एटा कले। कोरोना काल में कौशल विकास को बुस्ट कोविड योद्धा अनुकूल क्रैश क्रोसर शुभारंभ कले मोदी। स्वास्थ्य सेवा देउथुबा योद्धा को मिलिबो बल, अन्य को मिलिबो रोजगार रो सुजोग। स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुधरिबा को स्किल रिस्किल ओ अपस्किल को मोदी गुरुत्व। एथिपाई स्वतंत्र प्रधानमंत्री कौशल विकास मंत्रालय खोलिबो। प्रति राज्य रे भी खोलिबो एकाधिक कौशल विकास केंद्र। एक केंद्र भितरे ओडिशा को मिलिछि 2टी केंद्र। आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ आज देश में 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। मु प्लस टू पास करके हेल्थ केयर रे जीडीए रे नर्सिंग कोर्स करी मु निज रोजगार क्षम हेबा को चाहू अछि, सेति प्रति मु इंटरेस्ट अछि कोविड-19 विषय। कोरोना युद्ध रे आगामी बड़ लड़ाई रो समय आसी, द्वितीय लहर को भारत को अनेक अनुभव मिलिछ। भाइरस बारंबार बदलुवा रूप बड़ चैलेंज, साइंस सरकार संस्था सह समाज को सतर्क कराई भाइरस, किंतु एसब भितर मुकाबिला लक्ष्य रे ए अभियान। भर्चुआल उद्घाटन उत्सव में केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान डॉक्टर हर्षवर्धन सह अन्य मंत्री और अधिकारी सामिल हुई। बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी स्किल को अपग्रेड या वैल्यू एडिशन करना
ये अपस्किलिंग है और समय की यही मांग है। और जिस गति से टेक्नोलॉजी जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, तब लगातार डायनेमिक व्यवस्था अपस्किलिंग की अनिवार्य हो गई है। 26 राज्यर 111 केन्द्र में दिया जीवो तालीम। महामारी लड़ाई पे स्वास्थ्य सेवा सुधरवा को केन्द्र बड़ अभियान। तालीम नेबा परे संपृक्त योद्धा को गृह मौलिक अत्याधुनिक चिकित्सा सांपुल संग्रह और मेडिकल उपकरण सहायता आदि प्रशिक्षण दिया। सोरू संजय महालिक और गजपति जितेन्द्र बारिक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समय हुई आउ एक छोट कमर्शियल ब्रेक रो। ब्रेक परे स्वागत। देश में कोरोना वायरस आतंक खेलाइथिबा बेले एबे यहार तृतीय लहर को नहीं चिंता देखा दिछि, किंतु या भितरे आसीछे एक आश्वस्तिकर खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली द्वारा करा जाइथिबा एक सर्वे अनुजाई कोरोनार तृतीय लहर वयस्कों अपेक्षा पिलामानंकु अधिक प्रभावित करिवार संभावना नाही। तृतीय तरंग पिलामानंकु अधिक प्रभावित करिवार संभावना नाही। गवेषणा अनुसारे पिलामानंक देहरे सेरो प्रिवेलेंस रेट रो वृद्धि, वयस्कों तुलना रे शिशुंक देहरे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़िछि। हाई सेरो पॉजिटिविटी टेस्ट रु मिलिला तथ्य। देश रे कोरोना भाइरस आतंक खेलाइथिबा बेले एबे एहार तृतीय लहरी को नै चिंता देखा दैछि, किंतु ए मध्यरे आसीछि एक आश्वस्तिकर खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन बा WHO एवं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली द्वारा करा जाइतिबा एक सर्वे अनुजाई कोरोना वायरस महामारी रो तृतीय तरंग वयस्कों अपेक्षा पिलामान को अधिक प्रभावित करिवार संभावना नाही। तेणु तृतीय लहर देश पई सेतरा घातक होइ न पारे बोली एही गवेषणा रे कुआ जाइछि। तृतीय लहर रे शिशु अधिक संक्रमित हेबेनी बोली एही गवेषणा रे स्पष्ट करा जाइछि। एम्स और WHO रो मिलित हाई सेरो सर्वे रु एभली तथ्य सामना को आसीछि। तृतीय लहर रे शिशु माने अधिक मात्रा रो संक्रमित हेबार संभावना कम हेबो, कारण एही गवेषणा अनुसारे पिला मानक देह रे सेरो प्रिवेलेंस रेट बेसी बोली गवेषणा रु जणा पडिछि। एतिरे जणा पडिछि वयस्कों तुलना रे शिशुं देह रे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़िछि। मार्च 15 रु जून 10 मध्य रे होइतिला सर्वे। पांचटी राज्य रे 10,000 सैंपल नै सर्वे करा जाइतिला। एलिसा किट रे हाई सेरो पॉजिटिविटी टेस्ट करा जाइतिला, जेउतिरे शिशुंक देह रे एंटीबॉडी अधिक थिबा जणा पडिछि। एतिरे मिलिथिबा तथ्य अनुसार देश रे प्राय 50% पिलांक शरीर रे एंटीबॉडी रो परिमाण वृद्धि पाइछि। एहार अर्थ प्रथम और द्वितीय लहर समय रे 18 वर्ष रु कम वयसर अनेक पिला माने बिना लक्षण जनित कोविड संक्रमण रे संक्रमित होइछन्ति, जहाँ द्वारा सेमनक शरीर रे सेरो प्रिवेलेंस रेट वृद्धि करि पारिछि। देश रे पांचटी राज्य रे विभिन्न वयसर पिला मानक उपरे करा जाइतिबा ई सर्वे को नै मिलिथिबा तथ्य अनुजाय तृतीय तरंगर संक्रमण रु पिला माने विशेष भाबरे एही रोग प्रतिरोधक शक्ति रक्षा करि पारिबो। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समस्त छि पॉजिटिव भारत को इठ रखुछु। नमस्कार।